राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है, क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति का? प्रधानमंत्री का खर्चा एक साल का 25 करोड़ का है, उप प्रधानमंत्री का अगर पोस्ट हो जाए तो 22 करोड़ का है, सारे मंत्रियों का 850 करोड़ का है, मुख्यमंत्री और राज्यपालों का मिला दिया जाए तो 77,000 करोड़ का है, और सारे के सारे कर्मचारियों का और पब्लिक सेक्टर और सबका इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो 3.25 लाख करोड़ का है। ये खर्चा इतना क्यों होना चाहिए? जब आपके सबसे गरीब आदमी को एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने को, और राष्ट्रपति पर एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च हो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा, क्राइम क्या होगा? क्यों होना चाहिए इतना खर्च? जब इस देश का राष्ट्रपिता झोपड़ी में रह सकता है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं रह सकता? इस देश के लोगों की उंगली पकड़कर आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अगर झोपड़ी में रहकर आजादी दिला देता है तो आजादी के बाद के नेता झोपड़ियों में क्यों नहीं रह सकते? क्यों इतना खर्चा होना चाहिए उनके ऊपर? और हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चे अगर म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने चाहिए म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में? उनके बच्चे अमेरिका और यूरोप में क्यों जाने चाहिए? हमारा इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में होता है तो मंत्रियों का इलाज क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में? वो क्यों एम्स में भर्ती होते हैं? उनके कोई विशेष अधिकार हैं इसलिए ना? हम तो विशेष अधिकार खत्म करना चाहते हैं। आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में क्यों नहीं हो सकता? साधारण आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? उनको जेट सिक्योरिटी क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है, तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए, घर में बैठो। अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए? घर बैठो ना, अपना धंधा करो, बिजनेस करो। हमारे यहां तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था वही लोग राजनीति में आए थे, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जिनको मरने का ही डर नहीं था, जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था, वही पॉलिटिक्स में आए थे। तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है? सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की, कोई मारेगा क्यों? और अगर इन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए, क्यों जिंदा रखना? आप बताओ ना, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान आपकी रक्षा करेगा। और जो जिंदगी भर बिगाड़ा है तो आपको जिंदा क्यों रहने दिया जाए, क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए आपको इस व्यवस्था में? तो ये फालतू के खर्चे जो नेताओं पर हो रहे हैं, यही खर्चे को खत्म करके हम शिक्षा में खर्चा करने लगे तो हर गरीब आदमी का बच्चा बिना एक पैसा दिए पढ़ाई कर सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, आईएएस, आईपीएस बन सकता है। थोड़ा सा चेंज करना है सिस्टम। हमारा मानना है कि सारे सांसद, सारे विधायक वैसे ही साधारण तरीके से रहें जैसे इस देश का आम आदमी रहता है, क्योंकि वो उसके प्रतिनिधि हैं, वो करोड़पतियों के प्रतिनिधि नहीं है, वो आम आदमी के प्रतिनिधि हैं, गरीब आदमी के प्रतिनिधि। तो हम ये परिवर्तन चाहते हैं और हमारे ये सारे के सारे उद्देश्य एक ही बात को कहते हैं कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता में नहीं।